नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो चलिए फ्रेंड्स आज हम सॉल्व करेंगे यूपीएससी के मॉडल क्वेश्चन पेपर को और ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हैं क्योंकि ये सभी क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में कॉमनली पूछे जाते हैं साथ ही साथ जो स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे उनको आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल पाएगा फ्रेंड्स और अभी बहुत सारे एग्जाम्स के डेट आने वाले हैं यू के स्टेट पी के तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि ये सभी एम बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल पे जा करके डेली कम से कम एक वीडियो ज़रूर देखें जिससे कि आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा फ्रेंड्स और मैं ये श्योरली कह सकती हूँ कि डेली यदि आप कम से कम एक वीडियो या दो वीडियो देखेंगे तो आपकी एट्टी से नाइन्टी परसेंट की तैयारी ऐसे ही होती चली जाएगी फ्रेंड्स क्योंकि आपको खुद ही पता चलते जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से अटैम्प्ट कर पाते हैं और कितने क्वेश्चन के आंसर आपसे बनते जा रहे हैं तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए साथ ही साथ डेली कोई ना कोई एक वीडियो इसमें से ज़रूर देखिए तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं सो इसमें क्वेश्चन वन है फ्रेंड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसल बॉडी सप्लाई एम एल पर मिनट पर हंड्रेड ग्राम ऑफ टिश्यू ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसल बॉडी सप्लाई क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं हार्ट ब्रेन एंड किडनी ब्रेन किडनी एंड हार्ट किडनी हार्ट एंड ब्रेन एंड द ब्रेन हार्ट एंड किडनी सो द राइट आंसर इज ऑप्शन वन हार्ट ब्रेन एंड किडनी ठीक है एच बी के शॉर्ट फॉर्म में याद करना चाहेंगे तो आप लोग दिल दिमाग एंड किडनी इस तरह से भी याद कर सकते हैं आप एंड हार्ट ब्रेन एंड किडनी एच बी के राइट सीक्वेंस ये है सबसे पहले हार्ट फिर देन ब्रेन असेंडिंग ऑर्डर है मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ठीक है बेसल बॉडी सप्लाई सबसे पहले ज़्यादा हार्ट में फिर ब्रेन में देन किडनी में नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर टू मैच द फॉलोइंग एक साइड दिया गया है हिपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस डी हिपेटाइटिस सी ई e. ठीक है नेक्स्ट साइड देखते हैं हाई मोर्टिलिटी रेट इन प्रेग्नेंट वुमन क्रोमिक हिपेटाइटिस इन मोर देन फिफ्टी परसेंट केसेस एंड ऑप्शन थ्री ग्राउंड ग्लास हिपेटोसाइड एंड ऑप्शन फोर डिफेक्टिव जीन तो राइट right आंसर क्या है राइट right आंसर है ऑप्शन बी ए का मैच होगा थ्री से हिपेटाइटिस बी मैच विद द ग्राउंड ग्लास हिपेटोसाइड्स बी हिपेटाइटिस डी मैच विद द ऑप्शन फोर डिफेक्टिव जीन नेक्स्ट क्या है हिपेटाइटिस सी मैच विद द ऑप्शन टू क्रॉमिकपेटाइटिस इन मोर देन फिफ्टी परसेंट ये क्रॉमिक नहीं क्रॉनिक होगा आई थिंक ठीक है क्रॉनिकपेटाइटिस इन मोर देन फिफ्टी परसेंट केसेस हिपेटाइटिस सी मैच विद ऑप्शन टू एंड द हिपेटाइटिस सी मैच विद द ऑप्शन वन हाई मोर्टिलिटी रेट इन प्रेगनेंट वुमन राइट आंसर इज ऑप्शन बी ठीक है थ्री फोर टू वन आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा इसको एक बार अपने से खुद से एक बार सॉल्व भी करने की कोशिश कीजिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री अलाउड फर्स्ट हार्ड साउंड इज हर्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट अलाउड फर्स्ट हार्ड साउंड इज ए हर्ड इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट मिट्रल स्टेनोसिस फीवर मिट्रल इनकम्पिटेंस एंड द लो गेंगलोंग लेविन सिंड्रोम सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी मिट्टल इनकम्पिटेंस इज द एक्सेप्ट ठीक है एक्सेप्ट पूछा गया है अ लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड इज ए हर्ड इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट मिटल इनकम्पिटेंस में हमको लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई नहीं देता है बाकी सभी कंडीशंस में सुनाई देता है मिट्टल स्टेनोसिस फीवर की कंडीशन में एंड द लॉन्ग गेंगलोंग लेविन सिंडोम में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर मेजरमेंट ऑफ़ ग्लाइसीलेटेड हिमोग्लोबिन गिवन द इंडिकेशन ऑफ ग्लाइकेमिक कंट्रोल ओवर द प्रिसडिंग फोर टू सिक्स वीक सिक्स टू एट वीक एट टू टेन वीक एंड टेन टू ट्वेल्व वीक सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सिक्स टू एट वीक ग्लाइसीलेटेड हिमोग्लोबीन इज द इंडिकेशन ऑफ द ग्लाइकेमिक कंट्रोल ओवर द सिक्स टू एट वीक मीन्स एच बी ए वन सी जिससे कि हमको थ्री मंथ में एक्ूरेट ग्लूकोज लेवल बॉडी में पता चलता है ये टेस्ट बहुत ही कॉमनली आजकल यूज़ किया जाता है एच बी ए वन सी ठीक है इसमें थ्री मंथ का हमको इंडिकेशन मिलता है कि आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल कितना है तो राइट आंसर क्या है सिक्स टू एट वीक में अपन इसको करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव इन कावासाकी कावासाकिीज द कॉजेज ऑफ डेथ इज कोरोनरी आर्ट्राइटिस सेरिब्रल इन्फैक्शन निमोनिया एंड द रीनल फेलियर सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कोरोनरी आर्ट्राइटिस इन कावासा की डिसीज़ द दॉज ऑफ डेथ इज कोरोनरी अट्राइटिस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑस बॉर्न वेव इन ई सी जी सीनिंग ऑस बॉर्न वेव इन ई सी जी सीनिंग हाइपर कैलेमिया हाइपोथर्मिया हाइपोकैलेमिया एंड द डिजिटलिज इफेक्ट सो द राइट आंसर इज हाइपोथर्मिया में हमको देखने को मिलेगा ऑस बॉर्न वेव इन ई सी जी राइट आंसर इज ऑप्शन बी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन टर्बन ट्यूमर इज ए अदरवाइज नोन एज न्यूरोफाइब्रोमा डर्मो डरमो सिस्ट बेसल सेल कार्सिनोमा एंड द सिलेंड्रियोमा सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी सिलेंड्रीमा में ठीक है टर्बन ट्यूमर इज ए अदरवाइज नोन एज सिलेंड्रियोमा भी से कहते हैं इन टर्बन ट्यूमर को नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट पैथोलॉजिकली इन लार्ज स्प्रिन एक्सटेंड इन टू डायरेक्टली अपवर्ड डायरेक्टली डाउनवर्ड अपवर्ड एंड मीडियली एंड डाउनवर्ड एंड मीडियली तो राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन डी डाउनवर्ड एंड मीडियली इसमें होता है इन पैथोलॉजिकली इन लार्ज स्प्रिंग एक्सटेंड होता है किधर नीचे की ओर एंड मीडियली साइड में डाउनवर्ड एंड मीडियली नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन लेडी हैज बीन एडमिटेड विद कम्प्लेंट ऑफ एक्यूट पेन इन एबडामन वॉमिटिंग एबडामनल डिस्टेंशन एंड कॉन्स्टिपेशन clinically she has been diagnosed as a intestinal obstruction the most appropriate investigation is usg abdomen plain x ray abdomen upper gi endoscopy and the ct scan of abdomen ठीक है तो फिर से ध्यान से देखिए क्वेश्चन को क्या सिम्टम बता रही है इसमें एक यंग लेडी है हैड बीन एडमिटेड विद द कंप्लेन ऑफ एक्यूट पेन इन एब्डोमन वॉमिटिंग एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड कॉन्स्टिपेशन

रेड करेंट जेली स्टोरी इज एसोसिएटेड विथ इंटर रिसेप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन रिक्विजेड क्वालिटीज़ ऑफ फिजिशियन आर मैंशन इन एफॉरिज्म टू हंड्रेड ट्वेंटी थ्री एटी फोर नाइन्टी फाइव एंड एटी थ्री तो ये किस एफॉरिज में मिलेगा एफॉरिज बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो आप लोग अच्छे से देखिएगा तो राइट आंसर क्या इसका ऑप्शन डी एटी थ्री में रिक्विजिड क्वालिटीज़ ऑफ फिजिशियन आर मैंसन इन एफॉरिज्म नंबर एटी थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एसेसरी सिम्टम आर मेंशन इन एफोरिज्म नाइन्टी फाइव नाइन्टी सिक्स वन हंड्रेड सिक्सटी थ्री एंड वन हंड्रेड सेवेंटी थ्री सो द राइट आंसर इज एसेसरी म्याज में हमको देखने को मिलेगा वन हंड्रेड सिक्सटी थ्री में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन हैनीमन वर्न द फिजिशियन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग ए फेवरेट मेडिसिन इन एफोरिज्म नंबर टू हंड्रेड फिफ्टी सेवन वन हंड्रेड थर्टी सेवन टू हंड्रेड सिक्सटी फाइव या टू हंड्रेड फिफ्टी एट तो क्या है एनिमल ने वॉन किया था फिजिशियन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग ए फेवरेट मेडिसिन इन एफॉरिज्म नंबर टू हंड्रेड फिफ्टी सेवन में है ये ठीक है फिजिशियन ने वॉन किया था फिजिशियंस को अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग ए फेवरेट मेडिसिन इन एफॉरिज्म नंबर टू हंड्रेड फिफ्टी सेवन नेक्स्ट देखते हैं अपन सेंजिन सिम्टम आर कॉज बाय नेचुरल मॉर्बिफिक प्रूविंग ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन एक्सेसिव यूज ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड फ्राम द पार्सली इंडिकेटेड मेडिसिन तो ये बहुत ईजी है कई बार पूछा गया एग्जाम में राइट आंसर क्या है ऑप्शन सी एक्सेसिव यूज ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन अल्टरनेटिंग एक्शन ऑफ मेडिसिन आर मैंशन इन एफॉरिज्म राइट आंसर बताइए आप लोग खुद भी टिक करते जाइए क्योंकि ये बहुत ही कॉमन और ईजी क्वेश्चन हैं और कई बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं तो इतना आंसर तो आप लोग को बनता बनना ही चाहिए तो क्या क्वेश्चन है अल्टरनेटिंग एक्शन ऑफ मेडिसिन आर मेंशन इन एफ औरज्म नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स वन हंड्रेड एट वन हंड्रेड फिफ्टीन या वन हंड्रेड सिक्स एफ तो राइट आंसर क्या है बताइए राइट आंसर है ऑप्शन सी वन हंड्रेड फिफ्टीन में हमको देखने को मिलेगा अल्टरनेटिंग एक्शन ऑफ मेडिसिन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन एमराग्रिसिया वॉज इंट्रोड्यूज इन होम्योपैथी मटेरिया मेडिका इन द ईयर एटीन हंड्रेड ट्वेंटी एट एटीन हंड्रेड फाइव एटीन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन एंड द सेवनटीन हंड्रेड नाइन्टी सेवन सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी एटीन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन में हमको मिलेगा एमराग्रीसिया इंट्रोड्यूज हुआ था इन होम्योपैथी मटेरिया मेडिका एटीन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन कई लोग कन्फ्यूज़ रहते एटीन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेंटी एट में ठीक है तो इसको याद रखिएगा एटीन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन है ये नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इन द अल्सरेशन ऑफ ईयर लोफ आफ्टर द यूज़ ऑफ इयर रिंग्स द मेडिसिन इंडिकेटेड इज स्टेनमेट स्टेफाइजेरिया सिम्फाइटम एंड द प्रूनस स्पाइनोसा क्या है अल्सरेशन ऑफ द ईयर लोफ आफ्टर द यूज ऑफ रिंग्स दिस मेडिसिन इज इंडिकेटेड कौन सी मेडिसिन है स्टेनमेट अपन मेडिसिन यूज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर एटीन आप लोग को क्लियर दिखाई दे रहा है ना ठीक है थोड़ा अपन बड़ा कर लेते हैं इसको क्वेश्चन नंबर एटीन देखते हैं न्यूरेलिया इन स्टम्प आफ्टर द एम्पुटेशन इंडिकेटेड मेडिसिन आर एलियम सीपा इन कैलेंडोला एलियम सीपा इन एमोनियम यूर एलियम सीपा इन फाइटोली एंड एलियम सीपा पा एन तो राइट आंसर क्या है अपना आंसर खुद भी बनाते जाइए एटीन का क्या आंसर आएगा एटीन का आंसर आएगा बी एलियम सीपा इन अमोनियम यूर Neuralgia in stump after the amputation indicated medicine are Allium and Ammonium mure. Next question is question number 19. ortho test is a diagnostic of congenital dislocation of hip, birth disease, SI joint lesion and the lumbosacral lesion. So the right answer is option 1, congenital dislocation of hip. ऑटोलैनिस टेस्ट इज ए डायग्नोस्टिक ऑफ कंजनाइटल दिसलोकेशन ऑफ हिप नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अ फाइव ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंट विथ पेन इन हिप एंड लाइम्पिंग लाइमपिंग प्रीवियसली ही हैज़ अ टेकन स्टेरॉयड फॉर सम अदर कंप्लेंट्स एक्सरे शो द फ्लैटनिंग ऑफ द हेड ऑफ फीमर मोस्ट प्रोबेबली डायग्नोसिस इज ठीक है क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान दीजिए एक फाइव ईयर ओल्ड बॉय है उसको क्या क्या कंप्लेन है पेन इन हिप एंड लाइम्पिंग प्रीवियसली ही हैज़ टेकन for फॉर सम अदर X-ray शो द फ्लैटनिंग ऑफ द हेड ऑफ फीमर्स द मोस्ट probable डायग्नोसिस is TB इन हिप सीवर्स disease, कॉलर्स disease एंड द पार्थर्स disease. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ठीक है आप लोग को समझ में आ गया होगा नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन नॉन सुपरेटिव स्वेलिंग ऑफ सेकेंड एंड थर्ड कॉस्टल कार्टिलेजिज ट्रेज्ड डिसीज कावासाकी डिसीज़ कैनबॉक्स डिसीज एंड दैरीबर्ग्स डिसीज ठीक है नॉन सुपरेटिव स्वेलिंग ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड कॉस्टल कार्टिलेजिस राइट आंसर इज ऑप्शन वन ट्रेज डिसीज टी आई ई टी जेड ठीक है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू स्प्लिनिकुल डिनोटे एब्सेंस ऑफ स्प्लिन हाइपर स्पेलिनिज्म स्प्लिनिक रपच्चर एंड द एसेसरी ऑफ स्प्लिन तो राइट आंसर क्या है एसेसरी ऑफ स्प्लिन राइट आंसर इज ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री हर्नर्स अल्सर इज सीन यूरिनरी ब्लेडर जी बी यानी गॉल ब्लेडर गैस्ट्रिक म्यूकोजा एंड द बर्न तो हर्नर्स अल्सर हमको कहाँ देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा हमको यूरिनरी ब्लैडर में राइट आंसर इज ऑप्शन ए ठीक है हर्नर्स अल्सर सीनी यूरिनरी ब्लैडर फिर से देखते हैं मैज द फॉलोइंग का क्वेश्चन आया है इसमें एक साइड क्या दिया गया हम ब्लैकल सेकेंडरीज स्कनी नॉट डिपोजिट मास इन एंड द सेकेंडरीज इन ओवरी एंड अदर साइड क्या दिया है ब्लमर्स शेल्फ क्रुकेबर्ग ट्यूमर सिस्टर जोसेफ नोट्स एंड द बिरचॉक ग्लैंड तो इसका राइट right आंसर क्या है राइट आंसर right है देखते हैं ए का मैच होगा ऑप्शन थ्री से अमलाइकल सेकेंडरीज मैच विद ऑप्शन थ्री सिस्टर जोसेफ नोट्स फिर क्या है इस क्लेनि नोट डिपोजिट मैच विद ऑप्शन फोर बिरचॉक ट्रेड से एंड ऑप्शन सी मास इन डगलस पाउच मैथ विच ऑप्शन वन ब्लमर सेल से एंड द इज इन ओवरी मैच विद द ऑप्शन टू प्रू कैन बर्क ट्यूमर से राइट आंसर है ऑप्शन बी थ्री फोर वन टू ठीक है देख लीजिएगा आप लोग इसको एक बार अच्छे से और ख़ुद भी एक बार करके देखिएगा और इन सब के बारे में डिटेल में भी थोड़ा सी जानकारी लेने की कोशिश कीजिएगा कि ये क्या होता है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव इन कैंट्री पार्टी द रूब्रिक बैड बैटिंग इज ए सीन इन चैप्टर किडनी यूरेथ्रा ब्लैडर एंड यूरिन तो ये तो आप लोग बहुत ही बार पढ़ चुके होंगे कैंट रिपर्ट्री में हमको बेड वेटिंग कहाँ देखने को मिलेगा राइट right आंसर क्या है ऑप्शन सी ब्लैडर में ठीक है ब्लैडर में मिलेगा हमको बेड वेटिंग इन कैंट रिपर्ट्री नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स इन कैंट्स रिपर्ट्री टूब्रिक टिफिलाइटिस इज ए सीन इन चैप्टर एफ डोमन स्टमक जनरल्टीज एंड माउथ तो टिफिलाइटिस हमको कहाँ देखने को मिलेगा राइट आंसर इज ऑप्शन ए एबडामन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इन थेरापेटिक पॉकेट बुक द रूब्रिक फॉर डायबिटीज मलाइटज यूरिन ग्लाइको यूरिन सेक्रीन यूरिन डायबिटीज एंड यूरिन स्वेट तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन ए यूरिन ग्लाइको सूरिया में देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इन कैंट्स रिपोर्टरी रूब्रिक मर्मर इज ए सीन इन चैप्टर जनरल टीज रिस्पायरेटरी हार्ट रिस्पायरेशन एंड हार्ट एंड चेस्ट में ठीक है तो कहाँ मिलेगा हमको मर्मर है ना तो मर्मर हमको कहाँ देखने को मिलेगा चेस्ट में देखने को मिलेगा राइट आंसर इज ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन पेशेंट फील बेटर वैन कॉन्सिप्रेटेड रूब्रिक टू बी सीन इन कैंट तो क्या क्या ऑप्शन दिए गए माइंड कॉन्स्टिपेशन एमुलरेट रेक्टम कॉन्स्टिपेशन जनरलिटीज कम कॉन्स्टिपेशन एमरेट एंड द एबडोम कॉन्स्टिपेशन एमुलरेशन तो हमको कहाँ देखने को मिलेगा ये क्या है कॉन्स्टिपेशन रूबरिक ठीक है पेशेंट फील्स बेटर वैन कॉन्स्टिपेटेड ये रूब्रिक हमको कैंट रिपर्ट्री में कहाँ देखने को मिलेगा तो ये हमको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी जनरलिटीज कॉन्स्टिपेशन एमुलरेशन में ठीक है ये कॉन्स्टिपेशन है ठीक है स्पेलिंग मिस्टेक हो गया इसमें तो ये हमको इसमें देखने को मिलेगा पेशेंट फील्स बेटर वैन कॉन्स्टिपेटेड इन गैंट रिपट्री जनरलिटीज में कॉन्स्टिपेशन एमेशन मिलेगा हमको ये ठीक है नेक्स्ट देखते हैं पर क्वेश्चन नंबर थर्टी स्यूडोसाइट ऑफ पेंक्रियाजिस कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट पेंक्रिटाइटिस कजेनाइटल कंडीशन ऑलवेज एसोसिएटेड विद कैलकुलस एंड ऑप्शन डी ऑलवेज एसोसिएटेड विद कार्सिनोमा ऑफ पेंक्रियाज तो सीडोसिस्ट ऑफ पेंक्रियाज हमको कहाँ देखने को मिलेगा कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट पैंकेटाइटिस में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर स्यूडोसाइटिस्ट ऑफ पेंक्रियाज इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट पैंकेटाइटिस नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन विच इज द सेकेंड बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग इन द ह्यूमन बॉडी क्लैविकल मैंडिबल स्टर्नम एंड द स्कैपुला सेकेंड पूछा है ठीक है तो सेकेंड कौन सी बोन है जो कि ओसीफाई होती है ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले तो होती है क्लैविकल ये आप सबको पता होगा नंबर वन पे एंड द सेकेंड नंबर बोन पूछ रहा है तो इसका राइट right आंसर आएगा मैंडिबल ठीक है राइट right आंसर क्या है ऑप्शन बी मैथ द फॉलोइंग देखते हैं इसमें लेंथ ऑफ इनवाइनल कैनाल दिया है लेंथ ऑफ मेल यूरेथ्रा लेंथ ऑफ यूरेटर लेंथ ऑफ रेक्टम और इधर साइड में सेंटीमीटर्स में दिए गए हैं ट्वेल्व सेंटीमीटर फोर ट्वेंटी एंड ट्वेंटी फाइव तो इसको मैच करना है अपन को तो राइट आंसर क्या आएगा लेंथ ऑफ इंग्वाइनल के कितना होता है फोर सेंटीमीटर ठीक है फोर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ मेल यूरेथ्रा कितना रहता है वो होता है ट्वेंटी सेंटीमीटर लेंथ ऑफ यूरेटर वो कितना रहता है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ रेक्टम ट्वेल्व सेंटीमीटर राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी टू थ्री फोर वन ठीक है लेंथ ऑफ इन्ग्वाइनल कैनाल नाल फोर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ मेल यूरेथ्रा ट्वेंटी सेंटीमीटर लेंथ ऑफ यूरेटर ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ रेक्टम ट्वेल्व सेंटीमीटर तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा बहुत ही कॉमन है और ईजी भी है थोड़ा सी कोशिश करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री विच मेडिसिन इज टू बी गिवन इन केस स्पॉय्ड बाय द यूज़ ऑफ ओपीएम और मॉर्फिन इन कंप्लेंट्स ऑफ चिल्ड्रन्स ठीक है क्वेश्चन को फिर से देखिए एक बार विच मेडिसिन इज टू बी गिवन इन केस ऑफ स्पॉयल्ड बाय द यूज ऑफ ओ पी एम और मॉर्फिन इन कंप्लेंट्स ऑफ चिल्ड्रन्सना कैमोमिला आयोडम एंड द एवीना सटाइवा तो राइट मेडिसिन है ऑप्शन बी कैमोमिला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर मैज द फॉलोइंग मैज द फॉलोइंग क्वेश्चंस पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बहुत लोगों को आप लोग को भी अच्छे लगते होंगे ये क्वेश्चन तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है अर्टिकेरिया फ्रॉम स्परिचुअल लिक्वर अर्टिकेरिया विथ रोमेटिज्म अर्टिकेरिया विथ लीवर अफेक्शन एंड द अर्टिकेरिया विथ रोमेटिक एंड डायरिया एंड अदर साइड मेडिसिन दिए गए हैं क्या क्या मेडिसिन है एस्टिकस फ्लू फ्लूएटाइटेलिस फ्लूवेटेलिस बोविस्टा एंड द क्लोरेलम एंड द अर्टिका यूरेंस तो इसको मैच करना है अपन को तो चलिए देखते हैं राइट right आंसर क्या आएगा इसमें सबसे पहले है अर्टिकेरिया फ्रॉम स्परिचुअल लिक्वेड ये मैच होगा ऑप्शन थ्री से कोलेरुलम ठीक है ये मेडिसिन पता नहीं आई थिंक आप लोग पढ़े होंगे कि नहीं रीड क्यों मुझे तो थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है और नई नई मेडिसिन से अपन इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं फर्स्ट वन एंड थर्ड वन के बारे में तो चलिए देखते हैं ऑप्शन वन मैच विद द ऑप्शन थ्री अर्टिकेरिया विथ रोमेटिज्म ये मैच होता है ऑप्शन फोर से ठीक है साथ में अर्टिकेरिया हो तो अर्टिका यूरेंस है नेक्स्ट है अर्टिकेरिया विथ लीवर अफेक्शन हो तो ये है एस्टेकस मेडिसिन राइट ऑप्शन थ्री मैच विथ ऑप्शन वन एंड ऑप्शन डी क्या है अर्टिकेरिया विथ रोमेटिक लैमनेस एंड डायरिया इसके लिए है वोविस्टा राइट आंसर है ऑप्शन थ्री थ्री फोर वन टू ठीक है देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से इस बार चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव इन थेरापेटिक पॉकेट बुक पैरालिसिस ऑफ द ऑप्टिक नर्व इज सीन इन चैप्टर विजन आई फेस एंड नन ऑफ द तो थेरापेटिक पॉकेट बुक मीन्स इसमें हमको पैरालिसिस ऑफ ऑप्टिक नर्व कहाँ देखने को मिलेगा ठीक है तो देखते हैं इसका राइट right आंसर क्या है राइट right आंसर है ऑप्शन ए विजन में देखने को मिलेगा हमको इन थेरापेटिक पॉकेट बुक पैरालिस ऑफ द ऑप्टिक नर्व सीन इन द विजन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स इन कैंसर्टी द रूबरिक अल्सर अराउंड द कॉर्नर ऑफ माउथ इन सीन इन चैप्टर माउथ जर्ल्टीज फेस एंड स्किन इन कैंट्रीपर्टी द रूबरिक अल्सर अराउंड द कॉर्नर ऑफ माउथ इन सीन इन हमको कहाँ देखने को मिलेगा ये फेस में देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन विच ऑफ़ द फॉलोइंग रूब्रिक्स एंड देयर मीनिंग्स आर नॉट मैच करेक्टली ठीक है इनमें से कौन सी रूब्रिक और उसके मीनिंग आपस में मैच नहीं होते हैं ये पूछा गया है तो क्या क्या दिया गया ऑप्शन अफेक्शन है इसका क्या मतलब दिया गया है एक्ट ऑफ डिस्प्लेइंग एंड एटीट्यूड फिर क्या है फॉपिश ठीक है फॉपिश ए फोर डबल पी आई एस एच अ मैन प्री ऑक्यूपाइड विथ हिज क्लोथ प्री ऑक्यूपाइड विथ हिज क्लोथ फिर क्या है नेक्स्ट ग्लूटोनी टेक ए इमिज इमोडरेट अमाउंट ऑफ फूड एंड द वनरेशन का क्या है लैक ऑफ कंसेंट्रेशन तो इसमें से कौन सा मैच मैच नहीं है ये पूछा गया रूपरिक और इसके मीनिंग्स तो इसमें से कौन सा मैच नहीं है ऑप्शन डी मैच नहीं हो रहा है बाकी के सभी मैचिंग हो रहे हैं ठीक है लास्ट वन मैच नहीं हो रहा है. तो राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी एट ये क्या है लूसिड इंटरवेल इज ए मैंशन इन एफॉरिस तो ये सबको पता है इसका राइट right आंसर क्या है टू हंड्रेड टेन टू हंड्रेड सेवेंटीन टू हंड्रेड ट्वेंटी नाइन टू हंड्रेड नाइनटीन तो कहाँ देखने को मिलेगा हमको ये देखने को मिलेगा डी में टू हंड्रेड नाइनटीन में नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन इन फिफ्टी मिली सिमल स्केल ऑपरिप्रेशन इज एड इन विच एफॉरिज बीन सिक्स एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन तो इसका राइट right आंसर भी आप सभी को पता है बहुत इजी क्वेश्चन है टू सेवेंटी टू सिक्सटी एट टू सिक्सटी नाइन एंड टू फिफ्टी थ्री तो राइट right आंसर क्या है बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट right आंसर इसका ऑप्शन वन ठीक है फिफ्टी मिली सिमल स्केल ऑफ प्रिपरेशन इज ए मेशन इन एफॉरिज इन सिक्स एडिशन ऑफ फॉर्मन ऑफ मेडिसिन इन टू हंड्रेड सेवेंटी नंबर एफॉरिज्म नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फोर्टी इनटॉलरेबल इचिंग एट द टीप ऑफ द कॉसिक्स मस्ट स्क्रैच टील पार्ट बिकम ए रॉ एंड सोर एंड दिस सिम्टम इज ए सीन इन ये सिम्टम हमको कहाँ देखने को मिलेगा हाइपेरिकम बोविस्टा लोबिलिया चिनिनम सल्फ तो राइट right आंसर क्या है हमको ये बोविस्टा में देखने को मिलेगा ठीक है इनटॉलरेबल इचिंग ऑफ द टिप ऑफ द कॉसिक्स मस्ट स्क्रेचेज टील पार्ट बिकम ए रॉ एंड शोर ठीक है तो ये सिम्टम हमको बोविस्टा में देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन टर्मिनी ऑफ नर्व्स बिकम इज सो इरिटेटेड एंड सेंसिटिव दैट सम काइंड ऑफ फ्रिक्शन वॉज नेसेसरी टू ऑप्टेन ए रिलीफ दिस स्टेटमेंट रिफर टू ठीक है क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखिए एक बार टर्मिनी ऑफ नर्व्स बिकम इज सो इरिटेटेड एंड सेंसिटिव दैट सम काइंड ऑफ फ्रिक्शन वॉज नेसेसरी टू ऑपटेन ए रिलीफ एंड दिस स्टेटमेंट रिफर टू पोडोफाइलम मेडोराइनम टेरेंटोला एंड द कुरकुरे कुर एरे ठीक है कुर उरे है कुरकुरे नहीं है आप लोग तो ध्यान दीजिएगा इस बात में तो इसका राइट right आंसर क्या है ऑप्शन सी टेरेंटोला में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू कॉन्स्टिपेशन विथ हॉरिबल ऑफेंसिव ब्रीथ इज सीन कार्बोलिक एसिड ओपियम बेप्टीसिया एंड दोराइनम ठीक है तो इसके लिए दिए गए हैं नीचे भी ओनली ए इज ए करेक्ट ऑल आर करेक्ट ए एंड बी आर करेक्ट या ए बी डी आर करेक्ट तो राइट आंसर क्या आएगा इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी ए बी एंड डी करेक्ट है मतलब कार्बोलिक एसिड सही है ओपियम भी है एंड सोराइनम लेकिन बैप्टीशन नहीं है ठीक है क्या है कॉन्स्टिपेशन विथ हॉरिबल ऑफेंसिव ब्रीथ सीन इन कार्बोलिक एसिड ओपियम एंड सोराइनम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री एक्वार्डनेस वाइल्ड हैंडलिंग थिंग इज ए नॉट सीन इन जिंकम मेट एपी स्मेल बोविस्टा एंड द नेट राइट मेडिसिन क्या है जिंकम मेट में हमको देखने को नहीं मिलेगा बाकी सभी में ये सिम्टम हमको देखने को मिलता है लेकिन जिंकम मेट में ये हमको देखने को नहीं मिलेगा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर सिक्यूला इज ए कॉम्प्लीमेंट्री टू बहुत ईजी क्वेश्चन है स्ट्रिक्टिका का मारा एंटीम क्रूड एंड द बल्बस तो क्या है राइट आंसर ऑप्शन सी एंटीम क्रूड है इसके कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव विच मेडिसिन इज टू बी गिवन बिफोर पल्स टी लाइन सप्रेज गिया इपीकॉक एंटीम टाट ने राइट आंसर इज ऑप्शन बी एंटीम टार्ट विच मेडिसिन इज टू बी गिवन बिफोर पल्स टी सप्रेस्ड गोनोरिया ठीक है पल्सरटीला से बिफोर कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए इन सप्रेस्ड गोनोरिया की कंडीशन में तो वो है एंटीम टार्ड चलिए फिर से आ गया मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन तो चलिए मैच करते हैं क्या है एक साइड है मेडिसिन उनके कॉमन नेम है शायद और एक साइड है मेडिसिन ब्लैक कोहोस ब्लू कोहोस होस सौ ब्रेड सॉफ ब्रेड एंड द वाइल्ड यदर साइड है मेडिसिन साइकलमैन सिमिसिफ्यूगा एंड द कोलोफाइलम तो चलिए मैच करते हैं इसको अपन तो राइट right आंसर क्या आएगा सबसे पहले होगा ब्लैक कोहोस। ब्लैक कोहोस का है सिमिसीफ्यूगा कॉमन नेम क्या है ब्लैक का ब्लैक कोहोस। फिर नेक्स्ट क्या है कॉलोफाइलम का क्या है ब्लैक कोहो ब्लू कोहोस। ठीक है ऑप्शन बी मैच विद ऑप्शन फोर फिर क्या है सॉ ब्रेड सॉ ब्रेड का क्या आएगा ऑप्शन वन साइकलमैन एंड द वाइल्ड का है डाइस्कोरिया राइट आंसर है ऑप्शन बी थ्री फोर वन टू ठीक है ब्लैक को होश क्या है सिमिसीफ्यूगा ब्लू को होस कॉलम फालम कोलोफालम का है सॉ ब्रेड है साइकलमेन का एंड द वाइल्ड यैन है डाइस कोरिया का ठीक है आप लोग एक बार फिर से करके देखिएगा खुद से चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन डिस्पोजिशन टू द पेरानोकियाई सीनिन एंथ्रासिनम टेरेंटुला डाइस कोरिया एंड द ट्यूबरकुलिनम ठीक है डिस पोजिशन टू पैरानोकिया सीन इन ये हमको किस मेडिसिन में देखने को मिलेगा वो है डाइस्कोरिया में राइट आंसर इज ऑप्शन सी नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट देर आर मैनी मोर इग्नेशिया पर्सन इन नॉर्थ अमेरिका देन नक्सोमिका पर्सन दिस ओपिनियन वॉज गिवन बाय ठीक है ये ओपिनियन किसने दिया था क्या है ओपिनियन देर आर मैनी मोर इग्नेशिया पर्सन इन द नॉर्थ अमेरिका देन इन नक्सवोमिका पर्सन ठीक है नॉर्थ अमेरिका में इग्नेशिया परसेंट ज़्यादा है नदर देन नर्सोमिका पर्सन तो ये किसने कहा था हियरिंग है ह्यूजेस डॉक्टर जे टी कैंड एंड द डिपी तो राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए हियरिंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन कॉम्प्लीमेंटेड ड्रग ऑफ कैमोमिला इन डिसीज ऑफ चिल्ड्रंस सीना मैक बेलाडोना एंड ट्यूबरकुलिनम ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री ड्रग ऑफ कैमोमिलाइन डिशीज ऑफ चिल्ड्रंस पूछा गया है तो राइट आंसर क्या है बेलाडोना ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री ड्रग ऑफ कैमोमिलाइन डिशीज ऑफ द चिल्ड्रंस इज बेलाडोना नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पेपेवेरे फैमिली के अंतर्गत नहीं है कौन सी मेडिसिन नहीं है क्या क्या ऑप्शन है चैलिडोनियम कैना इंडिका ओपियम एंड देंगोनेरिया तो राइट है कैनाबिस इंडिका नहीं है इसके अंतर्गत ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन लिकोरिया इन ए लिटिल गर्ल्स इज ए नॉट सीन इन कॉलोफाइलम क्यूबेबा कैलकेरिया कार्ब एंड द क्रियोजोट ठीक है लिकोरिया इन लिटिल गर्ल्स इज नॉट सीन इन राइट आंसर इज ऑप्शन डी हमको क्रियोजोट में देखने को नहीं मिलेगा लिकोरिया इन लिटिल गर्ल्स इज नॉट सीन इन क्रियोजोट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन ऑफ कॉस्टिकम पेट्रोसिलिनम नेपेथिलिनम बेंजीन एंड द क्रियोजो ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन ऑफ कॉस्टिकम तो कौन सी है कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कॉस्टिकम की वो है पेट्रोसिलिनम राइट आंसर इज ऑप्शन वन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री इन ह्यूमन्स प्रूवर्स इट रिजल्टेड इन ए डिक्रीज ऑफ द रेड एंड इंक्रीज ऑफ द वाइट सेल्स दिस स्टेटमेंट इज एट ट्रू रिगार्डिंग डब्ल्यू बी देखते हैं इसमें क्या है क्वेश्चन फिर से इन ह्यूमन प्रूवर्स इट रिजल्टेड इन ए डिक्रीज ऑफ द रेड एंड द इंक्रीज ऑफ द वाइट सेल्स ठीक है डिक्रीज इन द रेड सेल्स एंड द इंक्रीज ऑफ द वाइट सेल्स दिस स्टेटमेंट इज ए टू रिगार्डिंग द नेटम सेल्फ टी एन टी फैरम्पिक एंड द बेजीनम तो राइट मेडिसिन क्या है इसके लिए राइट मेडिसिन है ऑप्शन डी बेंजीनम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर अ यंग मैन प्रेजेंटेड विथ असेंडिंग सिमेट्रिकल पैरालिसिस हिज टेम्परेचर इज ए नॉर्मल टू वीक बैक ही हैड एन अटेक ऑफ कैम्पेलोबैक्टर जियोजिन इन्फेक्शन द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जी बे सिंड्रोम पोलियो एंड द निक मैन पिक्स डिसीज तो इस क्वेश्चन के आंसर मुझे थोड़ा डाउट है फ्रेंड्स इसलिए इसका आंसर मैं आप लोग को नहीं बता पा रही हूँ अगर आप लोग को राइट आंसर पता चले तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव अ पेशेंट हु वॉज एन एंटीबायोटिक फॉर फ्यू वीक्स प्रेजेंटेड विथ डायरिया अराउंड ट्वेंटी बॉवल मोमेंट्स पर डे इंडोस्कोपी सो दूडोमेम्रेनस कोलाइटिस द मोस्ट प्रोबेबल इज क्वेश्चन को फिर से देखिए एक बार अ पेशेंट हु वॉज एन एंटीबायोटिक फॉर फ्यू वीक्स प्रेजेंटेड विथ डायरिया अराउंड ट्वेंटी बावेल मोवमेंट्स पर डे इंडोस्कोपी सोदर स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस द मोस्ट पोबेबल कॉजेसिस क्लास्टिडिया डिफिक्ले ऑटो इम्यून कैम्पाली बैक्टर जिजोनी एंड द क्लास्ट्रेडियम परफिनज़ीज़ तो इस क्वेश्चन के आंसर में भी थोड़ा सा डाउटफुल है ए एंड डी में ठीक है तो इसका राइट आंसर भी मैं आप लोग को श्योरली नहीं बता पाऊँगी कि दोनों में से कौन सा होगा ठीक है अगर आप लोग को सही आंसर पता चले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि बाकी लोगों को भी राइट आंसर इसका पता चले ठीक है थोड़ा सा डाउटफुल है इसके आंसर में ए एन डी में नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स विथ इन ट्वेल्व आवर आफ्टर हैविंग ए टिंड मीट ए पर्सन वॉज़ फाउंड टू बी हैविंग ए फीचर ऑफ़ फूड पॉइजिंग लाइक ए डायरिया एपिगेस्ट्रिक पेन एंड वोमिटिंग द प्रोवेबल कॉजिस स्टेफाइलो कोकस एयरस सैलमोनेला टाइफाइड क्लोस्टिडियम परफिंजी एंड द बेसिलस और क्वेश्चन क्या है फिर से देखते हैं अपन विथ इन ट्वेल्व आवर आफ्टर हैविंग ए टेंड मीट अ पर्सन वॉज फाउंड टू बी हैविंग ए फ्यूचर ऑफ फूड पॉइजनिंग लाइक ए डायरिया इपीगैस्ट्रिक पेन वॉमिटिंग द प्रोबेबल कॉज इज ऑप्शन सी क्लोस्टिडिया परफ्यूम जी राइट आंसर इज ऑप्शन सी नेक्स्ट देखते हैं मैज द फॉलोइंग की क्वेश्चन है इसमें दिया है ने इस साइड में है पैगट साइन मर्फी साइन रोबॉन्सिंग साइन एंड द पुडल साइन नेक्स्ट साइड है असाइटिस कोलिसिस्टाइटिस येल्लो फीवर एंड द अपेन्डिसाइटिस तो चलिए इसको मैच करते हैं अपन तो इसका राइट आंसर क्या आएगा सबसे पहले वैगर साइन हमको किस में देखने को मिलता है येल्लो फीवर में वन मैच विद द ऑप्शन थ्री फिर क्या मर्फी साइन कहाँ देखने को मिलेगा अपन को कोलोसस्टाइटिस में ये सबको पता होगा ठीक है ऑप्शन टू मैच विद ऑप्शन टू एंड ऑप्शन सी क्या है रोबॉन्सिन साइन कहाँ देखने को मिलेगा अपन को अपेंडिसाइटिस में ठीक है ऑप्शन सी मैच विथ ऑप्शन फोर एंड द पुडल साइंस है असाइटिस में हमको देखने को मिलेगा राइट right आंसर है ऑप्शन ए थ्री टू फोर वन ठीक है फैगर्ट साइन देखने को मिलेगा येलो फीवर में मर्फी साइन कोलिस में रवानसिन साइन है अपेंडिसाइटिस में एंड द पुडल साइन है एस में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट विच अमंग फॉलोइंग हैव लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड इसमें इंक्यूबेशन पीरियड सबसे लॉन्गेस्ट होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्लाज्मोडियम ओवेल प्लाज्मोडियम फैलसीफेरम या प्लाज्मोडियम मलेरिया तो राइट right आंसर क्या है ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम मलेरिया में हमको लॉन्गेस्ट इनक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन मैथ द फॉलोइंग क्वेश्चन है तो इधर साइड है देखते हैं सेबिन फील्डमैन डाइट टेस्ट कैसोनीस टेस्ट एल डी हाईट टेस्ट एंड द पॉल ब्यूनल टेस्ट एंड अदर साइड है इकोनोकोकस ग्रैनुलोस टॉक्सोप्लाजमोसिस इन्फेक्टियस मोनोनुक्लियोसिस एंड द लिसमैनियसिस तो चलिए इसको मैच करते हैं तो ऑप्शन ए सैबिन फिल्ड मैन डाइट टेस्ट इज़ ए मैच विद ऑप्शन टू टॉक्सोप्लाजमोसिस ए मैच विथ ऑप्शन टू फिर है कैसोनी टेस्ट ये है इकिनोकोकस ग्रैनुलोमेटस ऑप्शन बी मैच विथ ऑप्शन वन फिर क्या है नेक्स्ट एल्डिहाइड टेस्ट इसका है लिसमेनियसिस के लिए एंड नेक्स्ट है पॉल पॉलब्यूनल टेस्ट ये है इन्फेक्टियस मोनोनिक्लियोसिस के लिए ठीक है तो राइट आंसर है ऑप्शन सी टू वन फोर थ्री ठीक है देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से इसको एक बार चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी अ चाइल्ड फ्रॉम ए सिंधी फैमिली प्रेजेंटेड विथ सीवियर एनीमिया पेरीफेरल इसमे सोए माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक टाइप सीरम फेरेटीन इज नॉर्मल टी आई बी सी रिड्यूस नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसिस ठीक है क्वेश्चन को एक बार फिर से अपन रिपीट करते हैं अ चाइल्ड फ्रॉम ए सिंधी फैमिली प्रेजेंटेड विथ सीवियर एनीमिया पेरीफेरल इसमे शो द माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक टाइप ऑफ एनीमिया सीरम फेरेटीन इज ए नॉर्मल टी आई बी सी रिड्यूस नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसिस हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरोसिस सीरम आयरन एग्जामिनेशन किडनी फंक्शन टेस्ट या स्टूल एग्जामिनेशन तो आप इसमें से कौन सा इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस कंडीशन के लिए तो इसके लिए अपन क्या करेंगे हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरोसिस राइट right आंसर इज ऑप्शन वन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन विच द फॉलोइंग इज ए सिस्टोलिक मर्मर ग्रैम स्टील्स मर्मर अस्टिन फ्लेम्स मर्मर एंड द कैरी कॉम्स मरमर या कैरे कैरबोलस मरमर ठीक है एमंग द फॉलोइंग इज अस्टोलिक मरमर इसमें से कौन सा है सिस्टोलिक मरमर ये पूछा गया है तो राइट right आंसर क्या है कैरबोलस मरमर राइट आंसर इज ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू रेड इंडेक्स इज ए फाउंड टू बी इंक्रीज इन ब्रोंकियकटेसिस इम्फाइजिमा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकिअल अस्थमा रेड इंडेक्स इज फाउंड टू बी इंक्रीज इन राइट आंसर इज ऑप्शन सी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में हमको देखने को मिलेगा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री कार्टेंजिनर सिंड्रोम इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट डेक्सट्रोकार्डिया कोलिनोकिया ब्रोंकिटेसिस या एसोस्पर्मिया तो कार्टेंजिनर सिंड्रोम इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट पूछा गया है इसमें तो राइट right आंसर क्या है इसमें एक्सेप्ट रहेगा राइट आंसर इज ऑप्शन बी बाकी सभी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे डेक्सोकार्डिया ब्रोकटेसिस एंड द एसोस्पर्मिया नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर विच द फॉलोइंग इज ए नॉट ए डायग्नोस्टिक ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम ठीक है हमको नेफ्रोटिक सिंड्रोम में इसमें से कौन सा डायग्नोसिस में हमको नहीं मिलेगा आर कास्ट इन यूरिन मैसियो प्रोटीनिया एडिमा या हाइपोप्रोटीनिमिया तो राइट आंसर क्या आएगा आर बी सी कास्ट इन यूरिन हमको देखने को नहीं मिलेगा प्रोटीनोरिया एडिमा एंड हैपोनेटिमिया इसके कॉमन सिम्टम होते हैं डायग्नोस्टिक में ठीक है आर बी सी कास्ट इन यूरिन हमको देखने को नहीं मिलेगा इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव हर्ल्ड पैचेस इज ए डायग्नोस्टिक ऑफ लिंकन प्लान लिंकन सिम्प्लेक्स कोरिनिकस रोजिएसा एंड द न्यूमलर एग्जीमा तो हर्ड पैचेज इज ए डायग्नोस्टिक ऑफ राइट आंसर इज ऑप्शन सी पेट्रियाज रोज ये सामे हमको देखने को मिलेगा हर्ल्ड पैच नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन हैं तो चलिए इसको मैच करते हैं अपन सबसे पहले क्या है बेम्बो स्पाइन कॉर्फिज वर्टिब्रा सन रे एप्रिय एंड द थम प्रिंट साइन एंड अदर साइड क्या है इसी में कोलाइटिस ऑस्ट्रोसार्कोमा एनकोलाइजिंग इस्पोंडोलाइटिस एंड द ऑस्ट्रियोपोरोसिस तो चलिए इसको मैच करते हैं अपन सबसे पहले है बैम्बो स्पाइन तो इसका तो राइट आंसर आप सभी को पता होगा बहुत ईजी है तो इसका है एनकोलाइजिंग स्पोंडोलाइटिस में अपन को बैम्बो स्पाइन देखने को मिलता है नेक्स्ट क्या है कॉर्ड फीसवर्टिब्रा ये हमको कहाँ देखने को मिलेगा ये हमको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रियोपोरोसिस में कॉर्ड फीस वर्टिब्रा ऑस्ट्रियोपोरोसिस में नेक्स्ट क्या है सन रे अप्रियंसिस ऑस्टियोसारकोमा में ऑप्शन थ्री मैच विथ ऑप्शन टू नेक्स्ट क्या है थर्म प्रिंट साइन हमको इस्शियमिक कोलाइटिस में देखने को मिलेगा ऑप्शन फोर मैच विथ ऑप्शन वन ठीक है फिर से देखते हैं अपन बैम्बो स्पाइन एनकोलाइजिंग स्पॉन्डेलाइटिस में देखने को मिलेगा कॉर्फिस वटिपरा हमको ऑस्टियोपोरोसिस में देखने को मिलेगा सन रेज एप्रियंसिस ऑस्टियोसारकोमा में एंड द थर्म प्रिंट साइन हमको इस्मिक कोलाइटिस में राइट right आंसर क्या है इसका ऑप्शन बी थ्री फोर टू वन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन इकोलिया इज ए मूड डिसऑर्डर गेट डिसऑर्डर विजुअल एंड हेलोसिनेशन एंड द स्पीच डिसऑर्डर तो इकोलिया क्या है ई सी एच ओ एल एल आई ए तो ये क्या है एक स्पीच डिसऑर्डर है राइट आंसर इज ऑप्शन डी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट हेरबर्डन नोट्स आर सीनी डिस्टिल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट प्रॉगजिमल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट मेटाकार्पोफेलेंजियल ज्वाइंट एंड द रेडियोकार ज्वाइंट तो कहाँ देखने को मिलेगा हमको ये राइट आंसर इज ऑप्शन वन डिस्टल इंटरफेलजियल ज्वाइंट में देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन सेंसेशन एज्रे रिटर्न बाय जे टी कैन जे एच क्लार्क हेयरिंग एंड एच ए रॉबर्ट्स तो इसका राइट right आंसर तो सभी को पता है बहुत ईजी है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो सेंसेशन एज इफ किसने लिखा था एच ए रॉबर्ट ने राइट आंसर इज ऑप्शन डी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी इन ए सी जी क्यू टी इंटरवेल इज ए प्रोलोंग ठीक है क्यू टी इंटरवेल किस कंडीशन में प्रोलोंग होती है इन ए सी जी में तो क्या क्या, तो right क्या है हाइपर कैलेक्मिया एंड द हाइपर कैलेमिया हाइपो कैलेमिया एंड द हाइपो कैलेसीमिया तो राइट आंसर क्या आएगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हाइपो कैलेक्मिया नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन वन ऑफ द रिलायबल इंडिकेटर्स ऑफ फीटल मैचोरिटी ऑन एमिक फ्लूड एनालिसिस एल एस रेशियो शुगर कंसेंट्रेशन, यूरिया कंसेंट्रेशन एंड द प्रेजेंस ऑफ आर बी सी क्या था क्वेश्चन वन ऑफ द रिलायबल इंडिकेटर्स ऑफ फीटल मैच्योरिटी ऑन एमिक फ्लूड एनालिस तो कौन सा है वो राइट right है एल एस रेशियो हमको करेक्ट वो रिलाल एंड रिलाल इंडिकेशन है ये फीटल मैचोरिटी इन ऑन एमिक फ्लूड एनालिसिस के द्वारा नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन वन ऑफ द रिलायबल इंडिकेटर्स ऑफ फीटल मैच्योरिटी ऑन एमटिक फ्लूड एनालिसिस एल एस रेशियो शुगर कंसेंट्रेशन यूरिया कंसनट्रेशन एंड द प्रेजेंस ऑफ आर बी सी तो राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एल एस रेशियो वन ऑफ़ द रिलायबल इंडिकेटर्स ऑफ फीटल मैचूरिटी ऑन एम फ्लूड एनालिसिस एल एस रेशियो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू द एवरेज लेंथ ऑफ एमलाइकल कॉर्ड एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी इज हंड्रेड सेंटीमीटर फिफ्टी थर्टी एंड एटी सेंटीमीटर तो एवरेज लेंथ एमलाइकल कॉड का कितना रहता है एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी में पूछा गया है तो राइट आंसर क्या है फिफ्टी सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री एमेंग द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज ए नॉट करेक्ट ठीक है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट नहीं है ये पूछा गया है पहला क्या है कैपुट सक्सीडिनम इज ए प्रेजेंट एट बर्थ पोस्ट फ्रंटेल्स क्लोज बाय टू थ्री मंथ्स कैफेलो कैफेलो हिमेटोमा इज ए ऑलवेज प्रेजेंट एट बर्थ एंड द कैपुट सक्सीडिनम डिसअपेयरिंग ट्वेंटी फोर हावर आफ्टर द बर्थ तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट नहीं है ये पूछा गया है तो ये स्टेटमेंट राइट right नहीं है ऑप्शन सी ठीक है कैफेलो हिमेटोमा इज़ ऑलवेज प्रेजेंट एट बर्थ ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बाकी सारे स्टेटमेंट राइट हैं ठीक है थीके? ये कंडीशन जरूरी नहीं कि हमेशा प्रेजेंट रहे एट बर्थ के टाइम में बाकी सभी पॉसिबिलिटीज हैं नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर मैट काउ डिसीज बोविन स्पोंजियोफॉम इनकेफेलाइटिस इज ए फाउंड इन काउ एंड द सिमिलर डिसीज फाउंड इन द ह्यूमन बींग आर ठीक है मैट काउ डिसीज जिसे कि अपन बोविन स्पॉन्जीफॉम इंकेफेलाइटिस भी कहते हैं मैट काउ डिसीज इज ए फाउंड इन काउ एंड द सिमिलर डिसीज फाउंड इन द ह्यूमन बींग आर कुरूरू स्क्रैपी मिंकर मिकेन कैफेलाइटिस एंड द क्रूड्स फील्ड जैकॉप डिसीज़ ठीक है तो कौन से इसमें देखने थे ह्यूमन बींग में ऐसी डिसीज हमको इसमें देखने को मिलेगी कौन सी डिसीज है वो वो है लास्ट वन ऑप्शन डी क्रूड्स फील्ड जैकॉप डिसीज़ राइट आंसर इज ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव बीच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज प्राइमरी एमेबिक इनकेफेलाइटिस इन टमिबा हिस्टोलिका हार्ट मेनिला एंड इनटेमिबा कोलाई एंड द बेलेंटिडियम कोलाई तो राइट right आंसर क्या आएगा इसके लिए राइट right आंसर है ऑप्शन बी हार्ट मेनिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स क्रॉनिक रोमेटाइड आर्थराइटिस विथ स्पलोमेगा एंड द निटोपेनिया इज ए नोन एज ठीक है क्रॉनिक रोमेटाइड आर्थाइटिस विथ स्प्लिनोमेगैली एन द न्यूट्रोपिनिया इज ए नोन एज फैल्ट्री सिंड्रोम सीजरोग्रेन सिंड्रोम राइटर सिंड्रोम या मिल कैलकुलर सिंड्रोम तो ये सारे सिम्टम हमको किस डिसीज में एक साथ देखने को मिलते हैं वो है फैल्ट्री सिंड्रोम राइट आंसर इज ऑप्शन वन क्या क्या है इसमें क्रॉनिक रोमेटाइड आर्थराइटिसप्लेनोमेगैली एंड निट्रोपेनिया हमको एक साथ किस में देखने को मिलेगा फैल्ट्री सिंड्रोम में नेक्स्ट है मैथ द फॉलोइंग के क्वेश्चन है लिकोरिया एकड प्रोफ्यूज रनिंग डाउन द हिल्स नेक्स्ट है लिकोरिया एकड्रो क्रोसिव हैज़ द ऑर्डर ऑफ ग्रीन कॉर्न तो बहुत ईजीजी है मैन से स्लेट स्केंटी लाई के मीट वॉशिंग एंड द लिकोरिया एल्मिनस स्टार्ची एज दी वॉर्म वाटर फ्लोइंग एंड दाइड मेडिसिन दिए गए नेटम कार बोरेक्स एलोमिना क्रियोजोट तो चलिए मैच करिए और आंसर भी बताइए अगर आपको राइट आंसर इसमें से पता हो तो देखते हैं चलिए राइट आंसर क्या है इसका तो सबसे पहले देखेंगे अपन एक्रीड प्रोफ्यूज रनिंग डाउन द हिल्स तो ये सभी को पता है ये हमको एलुमिना में देखने को मिलता है ऑप्शन वन मैच विथ ऑप्शन थ्री फिर क्या लुकोरिया, है लकोरिया एक्रीड कोरोसिव हैड द ऑर्डर ऑफ ग्रीन कॉर्न ये भी सबको पता है ये हमको क्रियोजोट में देखने को मिलता है मैंस लेट स्कैंटी लाइक ए मीट वॉस्ड ये किस में देखने को मिलता है हमको ये है नेटम कार में एंड लुकोरिया एल्बुमिन स्टार्ची एज य वॉर्म वाटर फ्लोइंग इज द बोरिक्स में ठीक है तो राइट right आंसर क्या है ऑप्शन ए थ्री फोर वन टू ठीक है आप लोग बहुत लोगों ने इसके आंसर मैच कर लिए होंगे जो लोग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई है और बहुत अच्छे से रीडिंग उनकी चल रही है तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से देखते हैं नेक्स्ट है मैज द फॉलोइंग के क्वेश्चन हैं फिर से तो पहला क्या है अटॉनिक आफ्टर द एग्जॉस्टिंग फीवर ये तो बहुत ईजी है कई बार आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं इसको भी ठीक है नेक्स्ट क्या है बेस्ट टॉनिक फॉर डैबिलिटी आफ्टर द एग्जॉस्टिंग डिजीज ऑफ ग्रेट वैल्यू इन एनीमिया आफ्टर द मलेरिया एंड द डायबिलिटी आफ्टर द एग्जॉस्टिंग डिसीज़ एंड साइड है सेलिनियम सेलिनियम ऑस्ट्रिया वर्जिनिका एल एस्टोनिया एंड द एविनिया सटाइवा तो चलिए देखते हैं इसको मैच करते हैं अपन तो सबसे पहले क्या आएगा अ टॉनिक आफ्टर द एग्जॉस्टिंग फीवर फीवर की कंडीशन में जब एग्जॉस्टिंग हो जाए तो

ठीक है आप भी साथ साथ इसको सॉल्व करते जाइए तो आपको ही खुद से प्रैक्टिस होती जाएगी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन मैथ द फॉलोइंग के क्वेश्चन है फिर से ऑप्शन ए क्या दिया गया है कॉलिक फ्रॉम कुकुम्बर सलाद कॉलिक एट सर्टन हावर ईच डे पीरियोडिकल फ्रॉम गोल्ड स्टोन्स फ्लूटिल फ्लूएंट फ्लूएंट कटिंग कॉलिक अबाउट दम लाइकस एंड द डेली कॉलिक ऑफ इनफेंट एट फाइव ए एम एंड साइड है मेडिसिन इपिकॉक प्रोम एलियम सीपा एंड द चाइना तो चलिए मैच करते हैं इसको अपन कॉलिक फॉर्म कोंबर सलाद से किसको कॉलिक की प्रॉब्लम होती है एलियम सिपा को फिर कॉलिक एट सर्टन हावर ईच डे पीरियोडिकल फ्रॉम द गॉल स्टोन ये है चाइना में सिम्टम नेक्स्ट है फ्लुएंट कटिंग कॉलिक अबाउट दमलाइकस तो ये है पिकॉक में हमको देखने को मिलता है एंड लास्ट वन डेली कॉलिक ऑफ इन्फेंट एट फाइव वी एम ये काली ब्रोम में देखने को मिलता है तो राइट आंसर क्या है ए थ्री फोर वन टू ठीक है देख लीजिए आप लोग एक बार कॉलिक फ्रॉम कोकुम्बर सैलाड से है एलियम सिपा कॉलिक एट सर्टन हावर ईच डे पीरियोडिकल फ्रॉम द ग्ड स्टोन है चाइना फ्लूएंट कटिंग कॉलिक अबाउट दम लाइकस इज द इपिक ऑफ एंड डेली कॉलिक ऑफ इन्फेंट एट फाइव ई एम काली ब्रोम में देखने को मिलेगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर विच मेडिसिन इज ऑफ ऑन ए क्रिएटिव आफ्टर द यूजेनिया जेम्बोज इन एक्ने कालीबाइक्रोमियम नेटम्यूर कालीब्रोम एंड द डलका विच मेडिसिन इज ऑफ ऑन क्रिएटिव आफ्टर द यूजेनिया जेम्बोज इन एक्ने तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कालीम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर एटी वन विच मेडिसिन फॉलोज कॉनियम इन ट्यूमर्स मैमे विथ थ्रेटनिंग मेलेगनेंसी विच मेडिसिन फोलोसोनियम इन ट्यूमर्स मैमे विथ द्रेटनिंग मेलेग्नेंसी फाइटोलिका सोराइनम पैलेंड्रियम एंड द आयोडम द राइट मेडिसिन है ऑप्शन बी सोराइनम नेक्स्ट है विच मेडिसिन इज टू बी गिवन इन कॉलिक आफ्टर द कोलोसिन नक्स मोमिका हेजफे इसका आंसर भी आप लोग बहुत बार देख चुके हैं तो राइट आंसर क्या है बताइए कोलोनसोनिया डाइस्कोरिया जिन्वर एंड द वेटम एल्बम विच मेडिसिन इज टू बी गिवन इन कॉलिक आफ्टर द कोलोसिंथ एंड नक्सोमिका हैज फेल्ड कॉलिक कंडीशन में कोलोसिंथ एंड नक्सोमिका जब फेल हो जाती है तब अपन कौन सी मेडिसिन देते हैं तो वह है कोलोन्सोनिया कोलिनसोनिया ठीक है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट्टी थ्री ट्विस्टिंग पेंट रिमेन इन चेस्ट आफ्टर द रिकवरी फ्राम द बलुरुसी ब्राइवनिया लेप्टिका वायरोसा कार्बो एनिमलिस एंड द एप स्मेल तो राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन सी कार्बो एनिमलि स्टिचिंग पेंट रिमेंस इन चेस्ट आफ्टर द रिकवरी फ्रॉम प्लूरोसी फिर से है मैच द फॉलोइंग की क्वेश्चन एबॉर्शन फ्रॉम यूटर एंड डेबिलिटी एबॉर्शन फ्राम एनीमिया विथ प्रोफाउंड मेलन एबॉर्शन इन थर्ड मंथ एंड एबॉर्शन इन फिफ्थ टू सेवेंथ मंथ एनदर साइड है मेडिसिन सबाइना सीपिया हेलोनियस एंड द कॉलोफाइलम तो चलिए मैच करते हैं इसको अपन तो क्या आएगा देखते हैं सबसे पहले क्या आएगा हाँ एबॉर्शन फ्रॉम यूटल एंड एबिलिटी हमको किस में देखने को मिलेगा कॉलोफाइलम में फिर क्या एबॉर्शन फ्रॉम एनीमिया विथ प्रोफाउंड मेलन हमको देखने को मिलेगा हेलोनियाज डियोका में ठीक है फिर क्या अबॉर्शन फ्राम थर्ड मंथ ये सभी को पता है सबाइना में है एन एबॉर्शन फ्रॉम फिफ्थ टू सेवन मंथ ये सी में है ठीक है तो राइट आंसर ऑप्शन बी फोर थ्री वन टू ठीक है देख लीजिए आप लोग एक बार अब बहुत ईजी है ये सिम्टम देख के आप लोग को मेडिसिन के नाम याद आ जाने चाहिए इस तरह से आप लोग की प्रिप्रेशन होनी चाहिए कि सिम्टम को रीड ही करो और मेडिसिन माइंड में आ जाए तो आप लोग के लिए बहुत ईजी रहेगा तो इस लेवल पे आप लोग को प्रिपरेशन रखनी है अपनी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है प्रोफ्यूज सलाइवेशन डे एंड नाइट दिस सिम्ट फाउंडिंग ठीक है सोर बेलचिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी बर्निंग वाटर ब्रश एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन डे एंड नाइट दिस सिम्टम इज ए फाउंडिंग मक्स और कॉल्चिकम आरसेनिकम एल्बम एंड द एसिटिक एसिड तो राइट आंसर बताइए क्या है ये सिम्टम हमको किस मेडिसिन में देखने को मिलेगा राइट right आंसर है ऑप्शन डी एसिटिक एसिड में सोर बेल्चिंग एंड वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी एंड द बर्निंग वाटर ब्रास एंड प्रोफाउंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन डे एंड नाइट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स विच मेडिसिन प्रिवेंट से फ्रॉम द वॉकिंग एलियम सीपा एग्नस पायोनिया एंड द सल्फर राइट आंसर क्या है ऑप्शन बी एग्नस विच मेडिसिन प्रिवेंट एक्सकोरिएशन फ्रॉम द वॉकिंग इज एग्नस नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटी सेवन सिम्टम्स आर प्रोन्ट टू लेफ्ट दिस सिम्टम पॉइंट टूअर्ड द लाइको में है लाइको एन एनाकार्डियम लाइको इपिकॉक एंड एनाकार्डियम या लाइको एन इपिकॉक में क्या है सिम्टम सिम्टम्स आर प्रोन टू गो फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड ठीक है राइट साइड ऑफ बॉडी से लेफ्ट साइड में जब सिम्टम्स जाते हैं तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन है ये पूछा गया है तो राइट right आंसर क्या है इसके लिए लाइकोपोडियम एंड एनाकार्डियम ऑप्शन बी इज द राइट ठीक है सब लोग इसमें कन्फ्यूज होंगे ये भी हो सकता है करके लेकिन राइट आंसर ऑप्शन बी है नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर एटी एट इन फर्स्ट स्टेज ऑफ गोनोरिया स्कैंटी डिस्चार्जेस tendency to corade indicated medicine is gelsemium cannabis indica thuja and the medodynam kya hai first stage of gonorrhea scanty discharges tendency to corade indicated medicine is right answer is option a gelsemium hai iske liye medicine ठीक है ये एक ही बार में आप लोग को याद नहीं होगा कई बार आप लोग रिपीट कर करके देखिए तो सारे symptom और मेडिसिनस के नाम याद होते जाएंगे ठीक है अभी एक ही बार में कई लोगों को इसके याद नहीं होंगे और कई लोग इस क्वेश्चन के हैबिचुअल हो चुके होंगे जो लोग अच्छे से रीड कर रहे होंगे तो ये वीडियो को आप लोग कई बार रिपीट कर करके देखिए तो आप लोग को ईजिली याद होते जाएंगे इसके लिए कौन सी मेडिसिन है इस सिम्टम के लिए कौन सी मेडिसिन है मैथ्स द फॉलोइंग के क्वेश्चन को कैसे करना है वो भी आप लोग से बनते जाएगा ठीक है तो एक ही बार से नहीं होता है कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है और हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है कि आप रीड करिए प्रैक्टिस करिए और समय निकालिए अपने पढ़ने के लिए चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटी नाइन स्लीपलेसनेस फ्रॉम द प्रोलेप्स यूटेराइन इरिटेशन ड्यूरिंग क्लाइमेट्रिक सीन सीपिया कोलोफाइलम इंडिगो एंड द दियो आरिस क्या है स्लीपलेसनेस फ्रॉम प्रोलेप्स यूटेराइन इरीटेशन ड्यूरिंग द क्लाइमेट्रिक सीन राइट आंसर इज ऑप्शन डी सैनिशियो और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइनटी पॉइंट आउट द रोंग स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है रॉन्ग स्टेटमेंट पहला क्या दिया गया नक्स वोमिका क्यूर एरे जलसीमियम बिलोंग टू तो द लोगिनी फैमिली चाइना इपिकॉक कॉफिया बिलोंग टू तो द रूबीसी फैमिली एक्नाइट हेलीबोरस बेलाडोना बिलोंग टू तो दिनकोलेसिय फैमिली एंड द रस्ट रॉग्स एंड कोमो कैलेडिया बिलोंग टू तो एनाकार्डियस फैमिली तो इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है वो है राइट आंसर इज ऑप्शन थ्री एकोनाइट हेलीबोरस एंड बेलाडोना बिलोंग टू रेनकुलेसिया फैमिली ठीक है तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं बेलाडोना की क्या है सोलनिएसिया फैमिली है एंड डेडली नाइट सेड है कॉमन नेम एकोनाइट एंड हेलीबोरस का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कॉमन नेम क्या है ठीक है उसी तरह का बाकी सभी के आप लोग याद रखिए कॉमन नेम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर

विच आर द मेडिसिन इंडिकेटेड फॉर द बेड इफेक्ट ऑफ डिबॉक एगेरिकस नक्सोमिका एंड द लोबिलिया, एगेरिकस ब्रायोनी एंड नक्सोमिका एगेरिकस एन एथूजा एंड द एगेकस एंड द रक्सटॉक्स तो इसके लिए कौन सी मेडिसिन है राइट right आंसर क्या है ऑप्शन एगेरिकस नक्सोमिका एंड लोबीस क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर नाइनटी थ्री पर्ल इंडेक्स मीन से स्टेलाइजेशन फेलियर प्रोग्राम फेलियर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर या ड्रॉप आउट एमंग द वमन कॉन्ट्रासेप्टिव यूजर्स तो पर्ल इंडेक्स मीन्स क्या होता है राइट आंसर इज ऑप्शन सी कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर होता है पर्ल इंडेक्स मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइनटी फोर मैज द फॉलोइंग के कंटेजियस डिस इन्फेक्ट डिसीज पॉल्यूशन एंड द कंटामिनेशन एंड अदर साइड क्या है एंट्री एंड स्प्रेड ऑफ इम्प्यूरिटीज एंट्री एंड स्प्रेड ऑफ पैथोजेंस ट्रांसमिशन ऑफ थ्रो द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड द रिज़ल्ट ऑफ एंट्री एंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द जर्म इन द मैन तो चलिए इसको मैच करते हैं राइट right आंसर क्या आएगा इसका सबसे पहले आएगा देखते हैं अपन कंटेजियस डिसीज ट्रांसमिशन थ्रो द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑप्शन ए मैच विद ऑप्शन थ्री इन्फेक्टियस डिसीज़ का क्या आएगा रिजल्ट ऑफ एंट्री एंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ जर्म इन द मैन नेक्स्ट क्या है पॉल्यूशन पॉल्यूशन का है ऑप्शन वन एंट्री एंड स्प्रेड ऑफ इम्प्यूरिटीज एंड द कंटामिनेशन है एंट्री एंड स्प्रेड ऑफ पैथोजेंस राइट आंसर ऑप्शन बी थ्री फोर वन टू चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइंटी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंडिकेट द साइट ऑफ ब्लॉकेज इन फेलोपियन ट्यूब सोनो सेल्फेंगोग्राफी ट्रांसफर्जाइनल अल्ट्रासाउंड हिस्टोसेल्पेंगोग्राफी एंड द नन ऑफ द अबो वीच ऑफ द फॉलोइंग वुल्ड इंडिकेट द साइट ऑफ ब्लॉकेज इन फैलोपियन ट्यूब फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज को देखने के लिए अपन कौन सा इन्वेस्टिगेशन का उपयोग करते हैं तो इसका राइट right आंसर क्या है ऑप्शन सी हिस्टो सेल्फिंग्राफी इसमें डाई इंजेक्ट किया जाता है ठीक है तो वो डाई से अपन पता चलता है कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है कि नहीं यदि डाई ईजिली इसमें से निकल जाता है वहीं तो से उसमें ब्लॉकेज नहीं है चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइनटी सिक्स मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ डेथ इन कार्सिनोमा सर्विक्स मेटास्टेसिस इंफेक्शन हिमरेज या यूरेमिया मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ डेथ इन कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स तो राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन डी यूरेमिया की वजह से होती है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन टोटल वॉल्यूम ऑफ सी एस एफ इज फिफ्टी एम एल हंड्रेड एम एल वन फिफ्टी या टू हंड्रेड एम एल तो क्या आएगा इसका राइट आंसर टोटल वॉल्यूम ऑफ सी एस एफ राइट आंसर है ऑप्शन सी वन हंड्रेड फिफ्टी एम एल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट अमलाइकल कॉर्ड हैज इट टू आर ट्री एंड वन वैन वन आर ट्री एंड टू वैन टू आर ट्री एंड टू वन एंड ऑनली वन आर ट्री तो इस आंसर में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कई बार रॉन्ग भी हो जाते हैं कई लोगों के आंसर याद तो रहता है लेकिन कन्फ्यूज रहता है कि टू आरटरी रहती है कि वन वेन या वन आर्ट्री या टू वेन तो बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को तो इसको याद करने के लिए सबसे ईजी तरीका है टू आर एंड वन वेन ठीक है आर में क्या रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वन में डी ऑक्सीजेटेड ब्लड तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं तो टू आर्ट्री आएगी और वन वेन वापस जाएगी ठीक है टू आरटरी वन वैन ए टू रहेगा बी वन रहेगा ठीक है आप लोग कुछ ईजी ट्रिक्स के थ्रू इसको याद कर सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन ब्रोकाज एरिया इज प्रेजेंट इन सुपीरियर टेम्पोरल वायरस इन्फीरियर फ्रंटल गायरस पोस्टीरियर सेंट्रल गायरस एंड द प्री सेंट्रल गायरस तो ब्रोकाज एरिया कहाँ प्रेजेंट रहता है वो है इन्फीरियर फ्रंटल गायरस में राइट आंसर इज ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हंड्रेड पॉली यूरिया मिन से क्वान्टिटी ऑफ यूरिन इज मोर देन थ्री लीटर पर डे टू लीटर पर डे वन टू फाइव लीटर पर डे या फोर लीटर पर डे पॉली यूरिया मीन से क्वान्टिटी ऑफ यूरिन इज मोर देन थ्री लीटर पर डे राइट आंसर इज ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वार्थिन जेंट सेल आर सीन इंफ्लुंजा डुबेला मिजल्स एंड द चिकन पॉक्स तो किस में देखने को मिलेगा हमको ये राइट आंसर इस मिजल्स में हमको देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन एसेटन एंड रीजन से लिए गए हैं तो इसमें आप लोग के लिए ऑप्शन दिए गए हैं बोथ ए एन आर करेक्ट एन आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ठीक है ये सारे स्टेटमेंट आपको देखना है आगे में और एसेटन एंड रीजन से बहुत सारे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं और ए आई ये पी जी टी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आप इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो आप लोग जाकर के उसका वीडियो जरूर देखिएगा ठीक है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन असेटन एंड रीजन से पूछे गए थे तो चलिए अभी आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड टू ये भी असेटन एंड रीजन से रिलेटेड ही है इसलिए स्टार्टिंग में इसके बारे में समझाया गया है कि आपको इस तरह से आएंगे तो आपको इसमें से चूज़ करना है तो अपन देखते हैं चलिए सेटेंड क्या दिया गया हैडेटिड डिसीज ऑफ द लीवर इज ए कॉज बाय टीनिया सोलियम एंड इसका रीज़न क्या दिया गया है हाइडेटिस डिसीज इज़ ए डायग्नोज बाय द कैसोनी टेस्ट तो इसके लिए अपन को राइट आंसर इसमें से चूज करना है ये जो दिया गया है ऑप्शन में तो वन हंड्रेड टू का राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन डी ए इज ए फॉल्स एंड आर इज ए टू इसके लिए ठीक है क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड टू के लिए है ये इसका राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन डी

अन तो इसके लिए राइट right आंसर क्या आएगा राइट right आंसर होगा ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर इज़ द करेक्ट एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ठीक है इनमें दोनों राइट हैं स्टेटमेंट वन एंड एस रीज़न एसेटन एंड रीजन दोनों राइट right हैं और आर जो है रीजन जो है वो ए यानी एसटन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ठीक है क्या था स्ट्रेंगुलेशन इज द कॉमन इन फेमोरल हर्निया एंड द फिमोरल रिंग इज ए नैरो एंड है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फोर में क्या है एसेटन ए क्या दिया गया है इन पेशेंट विथ इंक्रीज इंटाक्रेनियल टेंशन एल पी शुड बी एवॉयडेड एंड द रीजन क्या दिया गया इट मे रिजल्ट इन सीवियर हेड हेडेक ठीक है इट मे रिजल्ट इन सीवियर हैडेक तो इसके लिए राइट right आंसर क्या आएगा राइट आंसर है बोथ ए एंड आर इज करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए राइट आंसर क्या है इसका बी है ठीक है ये दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह सही है लेकिन जो आर है जो रीज़न है वो सेटन को पूरा कंप्लीटली उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ठीक है ए क्या बोल रहा है सेटन इन पेशेंट विथ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल टेंशन एल पी शुड बी एवॉइडेड एंड इट मे रिजल्ट इन सीवियर हैडेक तो दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं लेकिन रीजन नॉट करेक्टली एक्सप्लेन विद द अ सेटेन ए गो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वन हंड्रेड फाइव कॉर्नर्स कोर्ट इज ए प्रेजेंट इन डेली बैगलोर बॉम्बे एंड कलकाटा तो कॉर्नर्स कोर्ट कहाँ प्रेजेंट है वह है बॉम्बे में नेक्स्ट देखते नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सिक्स विच एमंग फॉलोइंग इज ए नॉट यूज टू डिटेक्ट स माइनल स्टेन फ्लोरेंस टेस्ट बर्बियो बर्बियोज टेस्ट एंड द एसिड फॉस्वटेज टेस्ट एंड द टायमा टेस्ट तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन डी टका टकाया टेस्ट है ठीक है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉट यूज टू डिटेक्ट द समाइनर स्टेन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सेवन ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी फोर नाइनटीन हंड्रेड थर्टी नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी एंड द नाइनटीन हंड्रेड एटी फाइव सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन वन नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी फोर नेक्स्ट है कौन सा आर प्रिपेयर फ्राम सुगर ऑफ़ मिल्क एंड द लाइन सीड ऑयल एंड नेक्स्ट है कैन सुगर एंड एग एल्बूमिन सुगर ऑफ़ मिल्क एंड एग एल्बूमिन एंड द सुगर ऑफ मिल्क ऑनली तो कौन किस से प्रिपेयर किया जाता है राइट आंसर क्या है ऑप्शन बी कैन सुगर एंड एग एल्बूमिन से नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड नाइन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है और ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन सेकेंड एडिशन थर्ड एडिशन फोर्थ एडिशन ये सब तो आपके टिप ऑफ द टंग में होना चाहिए बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए ठीक है नदर साइड क्या दिए गए हैं फॉर इसमें दिए गए हैं थ्री हंड्रेड फिफ्टीन टू हंड्रेड नाइन्टी टू टू हंड्रेड सेवेंटी वन एंड थ्री हंड्रेड सेवेंटीन तो चलिए मैच करिए और राइट आंसर अगर किसी को पता हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए तो चलिए मैच करते हैं क्या आएगा सबसे पहले देखते हैं अपन फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन कितने है पॉलिस में रहते हैं टू हंड्रेड सेवेंटी वन नेक्स्ट क्या है सेकेंड एडिशन में कितने रहते हैं थ्री हंड्रेड फिफ्टीन थर्ड एडिशन में कितने हैं थ्री हंड्रेड सेवेंटी इसमें भी कुछ चेंजेस है सेकेंड एंड थर्ड में आप लोग देखिएगा इसको एंड फोर्थ एडिशन में क्या है टू हंड्रेड नाइन्टी टू फिफ्थ एडिशन में कितना है टू हंड्रेड नाइन्टी फाइव एंड सिक्स एडिशन में कितना है टू हंड्रेड नाइन्टी वन ठीक है तो ये सारे एफोरिज्म और ईयर ऑफ पब्लिकेशन आपके टिप ऑफ आप द टंग में होना चाहिए और कहाँ पे पब्लिश हुई थी ये भी होना चाहिए साथ ही साथ इसको ट्रांसलेट कि था ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन सा इम्प्रूव एडिशन है कौन सा एग्यूमेंटेड एडिशन है और कौन से दोनों एडिशन है तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो एफोरिज्म और इससे रिलेटेड ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के सारे कब पब्लिश हुए थे ये पूरी तरीके से अच्छे से आप लोग को याद होना चाहिए ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्रेन प्रूविंग ऑफ नार्कोटिक मेडिसिन और मेंशन इन द बीच एफ में ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया है नार्कोटिक मेडिसिन के लिए कौन सा फॉरेस्ट में है वन हंड्रेड एट वन हंड्रेड थर्टीन वन हंड्रेड नाइनटीन एंड वन हंड्रेड ट्वेंटी एट तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन बी वन हंड्रेड थर्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एलेवन इट इज़ ए नेक्स्ट इम्पॉसिबल दैट मेडिसिन एंड डिस शुड कवर वन एंड अदर सिम्टोमेटिकली एज एक्जैक्टली एज टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल साइड एंड एकवल एंगल्स द स्टेटमेंट इज फॉर्म दिस नंबर ठीक है तो चलिए फिर से देखते हैं एक बार अच्छे से इट इज़ इट्स नेक्स्ट इम्पॉसिबल दैट मेडिसिन एंड डिशीज शुड कवर वन एंड अदर सिम्टोमेटिकली एज वेल एज एग्जेक्टलीस टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल साइज एंड इक्वल एंगल्स तो ये स्टेटमेंट किस एफॉरिज में है वन सिक्सटी नाइन टू ट्वेंटी हंड्रेड फिफ्टी सिक्स एंड टू हंड्रेड फोर्टी थ्री तो राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी वन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेल्व इन क्रॉनिकेशन लास्ट फॉर फ्यू आवर वन टू टू डेज टू टू फोर डेज एंड दिक्स एट एंड टेन डेज ठीक है इन केसेस एग्रावेशन कितने देर तक के लिए रहता है इन क्रॉनिक केसेस में तो इसका राइट right आंसर क्या आएगा ऑप्शन डी सिक्स एट एंड टेन डेज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड थर्टीन डाइट एंड रेजिमेंट टू बी ए फॉलोड इन क्रॉनिक डिसीज इजन इन अ फॉरेस्ट टू हंड्रेड सिक्सटी टू टू हंड्रेड सिक्सटी वन टू हंड्रेड सिक्सटी एंड द वन क्या है डाइट एंड रेजी ठीक है ये हमको किस एफॉरिजा दे में देखने को मिलेगा तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन ए 260 से 261 हंड्रेड सिक्सटी वन भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा आप लोग और जो जो इंपॉर्टेंट है वो तो हमें अच्छे से याद होना ही चाहिए उसके अलावा भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकते हैं जरूरी नहीं कि हमेशा जो पूछा गया है वही आएगा उसके अलावा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम तो आप लोग हर तरह से तैयार रहिए इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फोर्टीन विच एमेंग द फॉलोइंग इज ए इनकरेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑर्गनन वॉज ट्रांसलेटेड बाय फ्रेंच बाय ब्रूनो द फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गनन वॉज ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश बाय ड्यू गाइनटीन हंड्रेड थर्टीन एंड द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेटर ऑफ ऑर्गनन वॉज डन बाय द डेविडेंट ठीक है ये यही मैंने मैंने आप लोग सभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि ये सब भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा नेक्स्ट क्या है इसमें इंट्रोडक्शन टू द सिक्स एडिशन ऑफ ऑर्गन वॉस रिटर्न बाय जेम्स क्रॉप्स तो इसकी में इनकरेक्ट पूछा गया इसमें से कौन सा है वो इनकरेक्ट है तो राइट right आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी इनकरेक्ट है बाकी सभी राइट हैं ठीक है, है? चलिए देखते हैं इसके राइट right आंसर आप लोग देख लीजिएगा क्या है इसका राइट right आंसर और बाकी सबको अच्छे से याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फिफ्टीन मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉन इंटुलिस विकसी इसका मतलब क्या है माई मिशन इज ए कम्पलिज फॉर द सफरिंग ह्यूमिनिटी अल्टीमेट एम इज ए क्योर एंड द नॉट लिव्ड इन वैन तो राइट right आंसर क्या है ऑप्शन डी नॉट लिव्ड इन वैन नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सिक्सटीन टू शॉर्ट लिव ऑफ द सिम्टम मीन ए प्रोग्नोसिस इज ए डाउटफुल अनफेवरेबल गुड या एक्सलेंट ठीक है तो कैंट के ट्वेल ट्वेल्व ऑब्जर्वेशन भी आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा इसमें से क्वेश्चन तो जरूर बनते हैं ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन के एडिशन के ऊपर से भी क्वेश्चन बनते हैं तो ये दोनों टॉपिक तो बहुत ही अच्छे से आप लोग को आना चाहिए और ट्वेल्थ ऑब्जर्वेशन में से क्वेश्चन आजकल घुमा फिरा के भी पूछे जाते हैं तो उस तरह से भी आप लोग इसको समझ के याद करेंगे तो आप लोग के लिए ईजी रहेगा तो इसमें क्या पूछा गया है टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम मीनस या प्रोग्नोसिस डाउटफुल अनफेवरेबल गुड या एक्सीलेंट तो ये कौन से नंबर का है कैंट का यह है सिक्स नंबर का तो इसके लिए प्रोग्नोसिस कैसी है प्रोग्नोसिस है अनफेवरेबल टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम पेशेंट को थोड़ी देर के लिए आराम मिल रहा है परमानेंट रिलीफ तो नहीं मिल रहा है ना परमानेंट क्योर मिल रहा है टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम मीन समझ जाए कि ये कंडीशन अनफेवरेबल है प्रोग्नोसिस वो है कंडीशन वो है अनफेवरेबल है नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सेवेंटीन एल एन टाउन एकेडमी वॉज स्टेब्लाइज बाय हेयरिंग जेटी कैंड जे एच क्लार एंड द सी एम बोकर तो किन्ने स्टेबलाइज्ड की थी राइट right आंसर क्या है हेयरिंग ने राइट आंसर इज ऑप्शन ए एलेन टाउन अकेडमी वॉज स्टेबलाइज बाय डॉक्टर हेयरिंग नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एटीन द रूब्रिक स्कर्वी इज ए गिवन इन चैप्टर इन थेरापेटिक पॉकेट बुक स्कर्वी रूब्रिक हमको थेरापेटिक पॉकेट बुक में कहाँ पर देखने को मिलेगा माउथ में सर्कुलेशन में सेंसेशन में या फेस में तो ये हमको देखने को मिलेगा सेंसेशन में इसका भी सेंसेशन में देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड इन बी बी सी आर द रूब्रिक फॉर डायबिटीज इज यूरिन सेक्रीन यूरिन सुगर सेंसेशन एंड कंप्लेन्स डायबिटीज एंड द यूरिन डायबिटीज़ सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यूरिन सैक्रीन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी इन कैंड सीपर्टी रूब्रिक मेस्टोडाइटिस इज ए सीनिंग ईयर मेस्टोडाइटिस हेड मेस्टोडाइटिस ईयर कैरीज मेस्टोइड या फिर फेस इन्फ्लामेशन मेस्टोइड तो हमको कहाँ पे देखने को मिलेगा मेस्टोडाइटिस इन कैंट्रिपर्टी में तो ये हमको देखने को मिलेगा ईयर कैरीज मेस्टोडाइड राइट आंसर इज ऑप्शन सी ठीक है तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स होप करती हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और मैं होप करती हूँ कि मेरे साथ साथ आप खुद भी इसको सॉल्व करने की कोशिश की होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने वन ट्वेंटी में से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और अगर आपको एक बार में याद नहीं हो रहा है तो कई बार रिपीट कर करके कर आप देखिए वीडियो को तो आप मोस्टली आप लोग के वन ट्वेंटी में से एटी टू वो हंड्रेड क्वेश्चन तो आप जरूर अटम्प्ट कर पाएंगे यदि आप इसको सीरियसली प्रैक्टिस करेंगे तो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए टेक केयर थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में